झारखंड के गिरिडीह जिले में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला है। बता दें, डायरिया के प्रकोप से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही चार लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। पूरी घटना जिले के सरिया प्रखंड के कोयरीडीह की है। ग्रामीणों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए गांव पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक गिरधारी कोल, जो कि 60 साल के थे, उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ डॉक्टर्स की बात करें तो चिकित्सा प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि जांच चल रही है, स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है। बताया जा रहा है कि आसपास गंदगी होने के कारण संक्रमण फैला है। फिलहाल ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया है और आवश्यक एहतियात बरतने के लिए भी अपील की गई है। बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, डॉक्टर सब आते हैं मगर एक बार देख सुन के फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर कोई दोबारा आना नहीं चाहते हैं। जो दूसरी बात है कि हम लोग के यहाँ जो है पीने उने का व्यवस्था जो है सही ढंग से है नहीं, कुआं का पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। चापाकल नहीं है, दो दो को चापाकल है मगर दोनों चापाकल खराब पड़ा हुआ है और वैसा हम लोग को लिए यहाँ उचित कोई सुविधा नहीं है डॉक्टर के लिए, सरकारी डॉक्टर के लिए, जिसकी वजह से हम लोग को और कठिनाई की सामना करना पड़ रहा है। कल 9 बजे से उनको थोड़ा उल्टी और पैखाना चालू हुआ, हाँ 3-4 बार हुआ, उसके बाद डॉक्टर को बुलाए, सलाइन चालू हुआ जिसमें वो 5 बत्तल सलाइन किए और उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ। उसके बाद जब वो बोले कि पेशाब हो जाएगा तो पानी बंद कर देंगे सलाइन करने, पेशाब हो गया तो पानी सलाइन करना बंद कर दिए और रात में थोड़ा उनको दिक्कत हुआ, उस मतलब अकेले दोनों दो ही परिवार बाहर में सोए, वो 2 बार गिरे भी बाहर निकले तो 2 बार भी गिरे भी और पता नहीं, हम लोग सब अंदर में थे, बाद में पता चला कि उनको थोड़ा हिचकी जैसा आने लगा, वो बाहर आए कुछ देर के बाद उनका दम टूट गया। क्या सरकारी अस्पताल के बगल में कोल्हरिया बस्ती में डायरिया का प्रकोप हुआ जिसमें बगोदर के सभी टीम, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ANM, MPW, MSW सभी लोग ला करके, सफाई कर्मी सभी लोग मिल करके गांव का साफ सफाई करवाए और ब्लीचिंग पाउडर छिड़कवाए। गांव में जितनी भी महिलाएं पुरुष सभी को एकत्रित करके सभी लोगों को इसके एहतियात बरतने के लिए समझाया गया कि आगे ना हो, उसके लिए गर्म खाना खाएं, गर्म पानी पिएं, बाजार का किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। बाकी का होने का तो किसी को भी हो सकता है लेकिन अपने तरफ से जितना परहेज हो सके करिए, बीमारी नियंत्रित रहेगा, नहीं तो आगे, चूँकि बरसात के दिनों में ये सब बीमारी होता है। छोटी मछली नहीं खाना है, साग नहीं खाना है, किसी तरह का अन्न ऐसा चीज़ नहीं खाना जिससे लूज मोशन हो जाए, एहतियात बरतना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। संतोष, जिले में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है जहां 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी, मैं बता दूं, ये पूरा मामला जो है गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड के कुरीडी पंचायत के कोल्हरिया टोला का, जिसमें ये 4 व्यक्ति जो है गंभीर रूप से घायल है, साथ ही साथ एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट है, वो जाके पंचायत में कैंप करे, साथ ही साथ जो है पूरे गांव में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रही है। और कहीं ना कहीं ये डायरिया जो है पूरे गिरिडीह करीब कर सकते हैं, गिरिडीह के आस जितने हैं प्रखंड, करीब करीब प्रखंड जो है डायरिया के चपेट में है। जी जी बिल्कुल। और ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए अभी बारिश का भी मौसम है तो उस के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और लोगों को क्या सतर्क रहने की, उन्हें सावधान रहने की भी अपील की जा रही है उनसे? जी, इनसे जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार है, जो गांव जो डायरिया पीड़ित गांव है उसमें जगह जगह कैंप करें, साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर, और उन लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि दूषित पानी ना पिए, जहाँ तक हो स्वच्छ पानी का पीने। और ऐसा देखा जाता है कि बरसात में जो है इस प्रकोप जो है बहुत ज्यादा डायरिया का प्रकोप होने, इसका एक ही मात
सुरक्षित पानी, क्योंकि कुछ ऐसा जगह है जहां पर पानी शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं के कारण ये लोग दूषित पानी पीते हैं, जिसके कारण डायरिया के चपेट में लोग आते हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष।